या दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन्स, 22 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फर्स्ट विल बी अ 50 पैसे कॉइन एंड सेकेंड विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। सो लेट इज अंडरस्टैंड दिस। मैं बोला कि एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक बेसिकली एक गुल्लक को कहते हैं। तो एक कोई गुल्लक है, उसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपी के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपी के 20 कॉइन्स है एंड 5 रुपी के 10 कॉइन्स है। अगेन 50 पैसे के 100 कॉइन है उसके अंदर, 1 रुपए के 50 कॉइन्स है, 2 रुपए के 20 कॉइन्स हैं, 5 रुपए के 10 कॉइन्स है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करना। और इनका कहना है कि अगर उल्टा करने पे, उस गुल्लक को उल्टा करने पे इन सब के आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, तो इक्वली लाइकली का मतलब यह होता है कि इन सब के चांसेस बराबर है। कोई ना कोई एक तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा, बिना गिरे नहीं रहेगा। इस इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ पे ये है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन एंड विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। तो हमें ये दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, जिसमें पहला का कहना है 50 पैसे कॉइन निकलेगा उसके आने के चांसेस कितने हैं, दूसरे का कहना है कि 5 रुपए का कॉइन निकलेगा उसके आने के चांसेस कितने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आपके पास कोई गुल्लक है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और सबके गिरने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली मतलब, वापस बता रहा हूँ, अगर मैं गुल्लक को उल्टा करता हूँ तो उनमें से कोई ना कोई एक कॉइन गिरेगा इनमें से, ये पक्का है। अब आपको चांसेस निकालने हैं 50 पैसे के गिरने के और 5 रुपी के ना गिरने के। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले हमारे फार्मूला के हिसाब से हम जानते हैं कि फार्मूला इज ऑलवेज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कॉइन्स हमें पता होने चाहिए कितने हैं। 100 कॉइन्स थे, 50 कॉइन्स थे, 20 कॉइन्स थे और 10 कॉइन्स थे। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ये मनी का अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। 150 पैसे के कॉइन्स थे, 51 रुपी के कॉइन्स थे, 150 पैसे के और 51 रुपी के, और 22 रुपी के और 10 5 रुपी के, 22 रुपी के और 10 5 रुपी के कॉइन्स। इन सबको नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो उस गुल्लक के अंदर टोटल 180 सिक्के मौजूद हैं। अब वो 180 सिक्के के अंदर 10 20 50 और 100 अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी के कॉइन्स हैं। अब हमारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन बी P1। मैंने इसको P1 अज्यूम कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वापस देखेंगे फेवरेबल आउटकम के लिए अपने पास फेवरेबल कितने हैं, 50 पैसे कितने हैं, 100 कॉइन्स हैं और टोटल 180। तो आई होप बहुत इजी था। 100 अपॉन 180 फेवरेबल हो गए, 100 टोटल हो गया 180। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 5/9। तो ये फाइनल आंसर है, वेरी इजी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। नाउ विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन को मैंने PE2 का बार मान लिया, PE2 बार। अब हम जानते हैं कि पी नॉट ई मतलब क्या होता है, 1 - P of E। तो P0E2 मीन्स 1 - P of E2। तो P of E2 क्या होगा, यहाँ पे नॉट 5 रुपी कॉइन था, P of E2 का बार। तो P of E2 क्या होगा, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। अगेन समझाता हूँ, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ 5 रुपी कॉइन। नॉट अ 5 रुपी कॉइन मतलब 50 पैसे मिल सकते हैं, 1 रुपी मिल सकते हैं, 2 रुपी मिल सकते हैं, बट 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला P of not E2 मीन्स 1 - P of E2, यानी कि पहले 5 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं और उसको 1 यानी कि टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी के लिए मैं नीचे जाऊंगा। 5 के आने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल रखी है 10 अपॉन 180। कैसे आया,
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पांच के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखते हैं कितने कॉइन्स हैं, पांच के 10 कॉइन्स हैं और टोटल कितना है 180 है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 10/18। इसको अगर मैं और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/18, क्योंकि ये जीरो और जीरो कट जाएगा। नाउ पी ऑफ ई टू हमारे पास आ चुका है, हमें चाहिए पी ऑफ नॉट ई टू, क्योंकि हमारा सवाल नॉट गेटिंग 5 रुपी कॉइन था। तो आते हैं पी ऑफ नॉट ई टू पे, तो पी ऑफ नॉट ई टू हो जाएगा अपना 1 - P of E2। पी ऑफ ई टू की वैल्यू 1/18। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अच्छा यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 और 18 का एलसीएम आएगा आपका 18 एंड दिस बिकम्स 18 - 1 दैट इज 17/18। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन, यानी कि 5 रुपए के कॉइन के ना आने की प्रोबेबिलिटी 17/18 है। दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन।